नमस्कार साथियों न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं सबसे गहरी राजनीति प्रकृति और इंसानों के बीच होती है पता भी नहीं चलता लेकिन प्रकृति इंसानों की हर क्रियाओं का चुपचाप प्रतिक्रिया देती रहती है यूनाइटेड नेशन से ताल्लुक रखने वाली एक संस्था इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस यानी कि आई ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके तहत तकरीबन 10 लाख से अधिक प्रजातियां, पादप और जंतु प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है न्यूज क्लिक में विज्ञान और इकोसिस्टम पर लिखने वाले हमारे पत्रकार और सहयोगी संदीपन तो संदीपन सबसे पहला सवाल यही है इतनी बड़ी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 10 लाख प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं तो विलुप्ति का मतलब क्या है इकोसिस्टम की शब्दावली में और ये रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट से निकलने वाली फाइंडिंग्स क्या है जैसे आपने बोला ये रिपोर्ट यू से ताल्लुकात रखने वाले आई नाम के एक संस्थान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो ये रिपोर्ट लाने में तीन साल से लगभग तीन साल का समय लग गया है जिसमें दुनिया भर के से 450 से ज़्यादा 450 एक्सपर्ट्स बायोलॉजी हो या इकोसिस्टम से ताल्लुक रखने वाले ऐसे कई सारे लोग थे और इन लोगों ने 1800 पेज का एक रिपोर्ट पेश किया है ये रिपोर्ट पेश करने के पीछे इन लोगों ने ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं पंद्रह हज़ार से ऊपर पेपर्स जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी और नेचर में किस टाइप के बदलाव आ रहा है क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है इसके ऊपर करने वाले पंद्रह हज़ार से ज़्यादा इन लोगों ने रिसर्च पेपर स्टडी किया है तो इन लोगों का मेन जो फाइंडिंग्स है जो पहला फाइंडिंग्स है वो कह रहे हैं कि अभी तक दुनिया में एट मिलियन मतलब अस्सी लाख के आसपास स्पीसीज या प्रजातियाँ जाने जाते थे तो उनमें से एक मिलियन जैसे आपने बोला कि दस लाख के आसपास प्रजातियाँ अभी विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी है और ये बेसिकली हुआ है ह्यूमन एक्टिविटी मतलब इंसानों की जो कामकाज है कार्य है उसके कारण ही ये हो, हो पाया है तो ये विलुप्त की अगर बात हम करें या एक्सटिंक्शन की अगर बात करें बायोलॉजी में एक्सटिंक्शन का मतलब किसी भी स्पीशीज़ का किसी भी प्रजाति का यही होता है कि उस स्पीशीज का लास्ट इंडिविजुअल सो एकदम अंतिम वाला प्राणी होगा वो जब खत्म हो जाएगा हम बोलेंगे कि वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस दुनिया में नहीं रहे यानी कि अंतिम स्थिति पर अंतिम स्थिति तो ऐसे दस लाख प्रजातियां है जो इस दिशा में बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है तो रिपोर्ट कहती है दूसरा चीज जो ये रिपोर्ट कह रहा है उसमें से चार पांच बहुत ही जो हमको लगता है कि इस समय प्रकृति सबसे नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है ह्यूमन हिस्ट्री में तो इसमें ये फाइंडिंग में आया जैसे फर्स्ट आया कि 75 परसेंट मतलब पचहत्तर प्रतिशत जो ज़मीनें हैं इस दुनिया में वो ज़मीनें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वो ज़मीनें उनका क्वालिटी उसका कैरेक्टर चेंज हो चुका है वो परिवर्तन हो चुका है जो ज़मीनों में आपके बायोडाइवर्सिटी हुआ करता था वो अभी बायोडाइवर्सिटी विलुप्त होने के कगार पर आ गए बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है ऑलरेडी दूसरा चीज कह रहे हैं कि आपका सबसे ज्यादा या फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तेजी से आपका खत्म हो रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि जो रेखा के आसपास की एग्जैक्ट exactly. जंगले, हैं, जंगले है पर तापमान बहुत अधिक होता है वहां की है। और वही सब फर्टाइल ग्राउंड भी होता है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो बोलते हैं जैव विविधता का तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है वो एकदम तेजी से खत्म हो रहा है लेकिन उससे भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है लैंड से ज़्यादा लैंड और फॉरेस्ट से ज़्यादा ख़त्म हो रहा है वेट वेट लैंड्स hmm. जो हम झीलों और इस टाइप के जो आ, ये है इकोसिस्टम है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से, से ख़त्म होते जा रहा है और वो रिपोर्ट कहती है कि थ्री टाइम्स मोर मतलब तीन गुना ज़्यादा फॉरेस्ट जितने हार जिस जि, जि, जिस रेट पे ख़त्म हो जा रहा है जंगली जिस हार पर कम हो रहा है उससे तीन गुना ज़्यादा आपकी रेट में वेट लैंडस आप ख़त्म होते हो जा रहा है और इसमें से आपका एम्फीबियंस एम्फीबियंस मतलब उभयचर मतलब जमीन पे भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं और 40 प्रतिशत एम्फीबियंस अब खत्म होने जा रहे हैं और आपका मेरीन लाइफ्स मतलब समुद्री प्राणी जैसे कोरल रीप्स ये सब बहुत तेजी से अब विलुप्त की कगार पे जा रही है तो आ, रिपोर्ट इस दिशा में ही पेश किया गया है एक आम आदमी तो भाषाएं विलुप्त हो जाती हैं नगर के नगर विलुप्त हो जाते हैं गांव विलुप्त हो जाते हैं उस पर चर्चा नहीं करता जंतु और पादप उपभोग की वस्तुएं होती हैं उसे पता भी नहीं कि अस्सी लाख प्रजातियां हैं आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में जब ये बताया जाता है कि दस लाख प्रजातियां विलुप्ति के आधार पर पहुंच चुकी हैं तो वो आम आदमी इन चीज़ों से कैसे रिलेट करे उसे रिलेट क्यों किया जाना चाहिए इन सारी चीज़ों से इसके लिए मैं आपको और एक रिपोर्ट की बात करता हूँ अभी दो महीने पहले मार्च में यूएन का ही और एक बॉडी है एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो उन लोगों का भी एक रिपोर्ट आया था तो उन लोगों का रिपोर्ट आया था कि बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड मतलब बायोडाइवर्सिटी आपका जंगल एग्रीकल्चर जो खेती के लिए होता है और जिससे बेसिकली इंसानों का फूड खाद्य पदार्थ जहाँ से मिलता है तो कह रहे हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत तेजी से कम हो रहा है अब मान लीजिए कि उस वो बायोडाइवर्सिटी अगर कम होगा तो आम जनता है साधारण नागरिक है उसके जीवन में कैसे उसका प्रभाव हो सकता है ये हो सकता है जैसे हम बताते हैं मान लीजिए कि पहले दस प्रकार की गेहूं या दस प्रकार के धानों का खेती हुआ करता था ये होता है बायोडाइवर्सिटी तो उसमें आपका मान लीजिए कि दस प्रजातियों से दस प्रकार के थानों से आप दो प्रकार में आ गए बाकी आठ प्रकार आपका गायब हो होगा अब एक बार फ्लड आ गया बाढ़ आ गया कोई बहुत सूखा हो गया तो मान लीजिए कि इस दस प्रजाति जो थे धान के उसमें हो सकता है कि तीन चार प्रजाति ऐसे होंगे जो उस चीज को झेल के ले जाएंगे आप उस दस में से आपका आठ हट गया अब जो दो बचा हुआ है ऐसा कोई अगर एक सिचुएशन आ गया उसमें ये कोई जरूरी तो है नहीं कि ये सर्वाइव कर जाएगा झेल के ले जाएगा तो इसीलिए बायोडावर्सिटी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये सही बात है है कि कि आम लोगों को इससे कोई पता नहीं चलता है आम पे नहीं। कि क्या हो रहा है कैसे हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए तो दुनिया भर में या समाज में एक बातचीत बहुत जरूरी है फिर वही बात कि किसी ने महासागर देखा ही नहीं होता अपने पूरे जीवन में सही बात है और उसको महासागर में बताया जाता है कि महासागर का जो परितंत्र है इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है अब महासागर का परितंत्र बर्बाद हो रहा है तो उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है हम तो हमेशा हमारी जो पढ़ने की पद्धतियां होती हैं या जीवन जीने की पद्धतियां होती है, यही कहा जाता है कि क्या आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा आप नजदीकी सिचुएशन को देखिए उसके अनुसार अपना काम कीजिए सही बात है तो भाई महासागर में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो मैं क्यों परिवर्तित हूँ इस पे महासागर की बात आप कर रहे हैं तो फिर बोलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी भी वार्म हो रहा है मतलब समंदर समंदर के पानी के जो तापमान है वो अभी बढ़ रहा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आपका ग्लेशियर्स जो होते थे एंटार्क्टिका में वो भी पिघलना शुरू हो गया तो वो पिघलने से आपका पानी ज्यादा समंदर में बढ़ता है और समंदर के जो अपना भी पानी का तापमान है वो अगर बढ़ेगा तो ये दोनों मिलके वो क्या करते हैं अब देख रहे हैं कि फोनी अभी कुछ दिन हाँ। पहले आया दुनिया भर में साइक्लोन्स पहले भी होता था हमेशा से होता है लेकिन आजकल इस टाइप की चीजों में क्या क्या होता है कि कोई ऐसे साइक्लोन हो गया तूफान हो गया उसका डायरेक्शन प्रडिक करना उसका एकदम इंटेंसिटी जैसे वो हिट करेंगे जैसे समंदर में होता है आके वो जमीन पे हिट करते हैं तो उस समय उसका कैसा इंटेंसिटी होगा वो सब प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है अभी तो बहुत फोनी में प्रडिक्शन अच्छा था वो मान लीजिए लेकिन इन फ्यूचर उसको क्लाइमेट साइंटिस्ट कह रहे हैं कि नहीं। नहीं। इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होंगी और इस टाइप के जो सिचुएशंस है इस टाइप के सिचुएशंस में एक्सट्रीम कंडीशन में जाने के लिए हो रहा है सर्दी होगी तो एक्सट्रीम में जाएगी गर्मी भी तो एक्सट्रीम में होगी पिछले साल जर्मनी जैसे जगह में जर्मनी में चालीस डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया यह दो की बात है और ये एक दो दिन की बात नहीं है नहीं। वो लगभग वो वहाँ के लोग कह रहे थे कि लगभग एक महीने तक चालीस डिग्री तक टेम्परेचर रहा पिछले गर्मी के सीजन में जर्मनी जैसे जगह में जो आपका नॉर्थ पोल के उस तरफ चला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है तो इस टाइप के सिचुएशन आपको लगेगा कि जर्मनी में क्या और मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है लेकिन यही भी तो है ना कि दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो एक कोई देश बच जाएगा एक कोई अपने आप को बचा लेंगे ऐसा तो चीज़ें होने वाला है नहीं सब जगह उसका प्रभाव पड़ना बहुत ही लाजमी चीज़ है और वो हो भी रहा है तो इसीलिए लोगों को लगता होगा क्योंकि आम तौर पे नहीं देखता है कि या सबसे नज़दीक उनका वो विषय नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली होता है जैसे हम लोगों का खाने पीने का बहुत सारा खेती का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो बहुत खत्म हो रहा है पहले वेराइटीज़ थे वो सब खत्म हो रहा है जैसे तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत सारा प्रभावी है या रिपोर्ट्स भी कह रहे हैं दुनिया की लगभग एक फीसदी से कम आबादी एक फीसदी से भी क्या बहुत ही कम आबादी इन सारी चीज़ों से परिचय रखती है और इन सारी चीज़ों पर बहस करती है इनके बारे में सोचती है और पीढ़ियों के बारे में सोचती है कि आने वाली पीढ़ियों को क्या होगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसी पीढ़ी को जीने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएँ हैं उसमें इसको अपने आप को बचाए रखने के लिए इसी संसाधनों का प्रकृति का दोहन करना पड़ता है उसे लगता है कि जब तक वो गांव को छोड़कर शहरों की तरफ नहीं बढ़ेगी उसे रोजगार नहीं मिलेगा उसे लगता है कि जब तक वो गांव के उस झोपड़े में ना रहने के बजाय एक अच्छे पान सितारा मंजिल पे ना रहेगी वो एक अच्छी जीवन शैली को नहीं पा सकती है ये सारी चीजें जब बिल्कुल विपरीत ढंग से और ये बताती हैं कि प्रकृति का यह दोहन अधिक करती हैं ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि क्या अब भी ऐसी संभावनाएं हैं कि हम बदल सकते हैं इन रिपोर्टों के आने के बाद ये आई का जो रिपोर्ट है उसमें रॉबर्ट वॉटसन जो उनका इस रिपोर्ट का अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे थे रिपोर्ट लाने में उनका तो कहना है कहना है कि ये होपफुल है क्योंकि इस रिपोर्ट में दुनिया भर के बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग थे बहुत सारे देशों के गवर्नमेंट वहाँ के सरकारों के लोग थे इस पूरे रिपोर्ट को लाने में और वहाँ के सरकार भी चाह रहे कि इसको चीज़ें करना है वो वो लोग कह रहे हैं रॉबर्ट वॉटसन कह रहे हैं और हमको तो लगता है कि अभी अगर बहुत ही जल्दी दुनिया के देश आपके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से लेके सब लोग तो कुछ स्टेप लेना शुरू करे तो हो सकता है कि कुछ सुधर जाए अमेरिका जैसा देश तो अलग हो जाता है पेरिस एग्रीमेंट से, से निकल आया ट्रम्प कहते हैं कि ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैन मेड क्लाइमेट चेंज है वहां पर बोलसोनारो वो भी कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई मैन मेड क्लाइमेट चेंज है नहीं तो इस टाइप के ग्लोबल लीडर्स अगर इस टाइप के स्टेटमेंट देते हैं तो वो बहुत चिंताजनक होता है लेकिन बहुत सारे कोशिशें भी है पेरिस एग्रीमेंट है कुछ भी है ऐसे बहुत सारे की प्रोटोकॉल है तो ये सब हम लोगों ने जो एम बनाया था तो ये एम्स जितने भी थे उसके दिशा में हम लोग अभी तक बढ़ नहीं पाए दुनिया नहीं बढ़ पाई तो उसके लिए तो आपका गवर्नमेंट आपका सिविल सोसाइटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस साइंटिस्ट सबको मिलके ही आना पड़ेगा और आप जैसे कह रहे हैं कि ये तो पोलिटिकली ही पूरा लिंक्ड है सारा चीज कि शहर मुखी हो रहे लोग या उसके हिसाब जैसे आर्गेनाइजन ये रिपोर्ट में भी कहता कहते हैं हाँ बहुत अधिक आर्गनाइजेशन है आपका फॉरेस्ट डिग्रेशन उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस ये सब तो पूरा तेजी से बढ़ रहा है वो प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है प्लास्टिक के बारे में कहते हैं कि 1920 से लेकर uh, 1980 से लेकर 2000 तक लगभग 40 प्रतिशत प्लास्टिक पोल्यूशन समुद्र में दुनिया भर में वो बढ़ गया है और 400 या 500 मिलियन टन वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें प्लास्टिक भी रहता है वो अभी समुद्र तक पहुंच रही है उसके आपका मेरीन बायोडाइवर्सिटी मतलब समुद्री प्राणियों का डाइवर्सिटी वो भी कम हो रहा है खतरे में आ गया है तो ये तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कारण है और हमको तो लगता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ साइंस वाला एक मुद्दा नहीं है क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल पॉलिटिक्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसी का हिस्सा है इस रिपोर्ट में वही वाटसन कहते हैं कि इकोनॉमिकल मुद्दा भी है सोशल मुद्दा भी है डेवलपमेंटल मुद्दा भी है मॉरल मुद्दा भी है इथिकल मुद्दा भी है सारे मुद्दे को लेकर के इस पर वो चर्चा करते हैं आपसे एक अंतिम बात ये रहेगी कि आप ये बताइए कि जैसे हमारे यहाँ चुनाव का दौर है इस समय हमने बहुम हम ऐसी बातों पे बात करते हैं जो बहुत ही लगता है कि आप इस इस इसके बदले आप कोई तर्क दे देंगे और वो हरा देंगे तो उसके बदलाब आपको लेके आप दूसरे पक्ष के लिए वोट दे दें या उधर चले जाएं राफेल में किसने घोटाला किया नहीं किया जनधन से पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा क्या होगा मतलब हम इतने ह्यूमन सेंट्रिक हैं अपनी बातों में या इतने सत्ता सेंट्रिक है जो इंसानों की सत्ता सेंट्रिक है कि हम कभी भी दिखता ही नहीं है कि भाई हमारे यहाँ गांव छोड़ के गाँव खत्म हो रहे हैं गांव में गर्मियों में आग लग जाती है बिहार में बाढ़ आते हैं इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है उड़ीसा में फेनी आ गया उस चक्रवातों की बारंबारता बढ़ती जा रही है बहुत अधिक तापमान हो जाता है गर्मियाँ बहुत महसूस होने लगी हैं वायु प्रदूषण दिल्ली का मुद्दा है इस पर कोई बात नहीं करता अगर राजनीतिक स्थिति ऐसी है एक विकासशील देश की जो कि कृषि प्रधान देश है ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ऐसी सारी रिपोर्टें जिसपे हम आप तो चर्चा कर सकते हैं क्या राजनीतिक बहस का मुद्दा बन सकती है या एक नागरिक जागरूकता का मुद्दा बन सकती है आने वाले दिनों में बन सकती है जैसे आप और हम मिलकर बात कर रहे हैं या बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे तो ये जिम्मेदारी हम पे भी है देखिए अपने आप में तो कुछ बनेगा नहीं तो जिम्मेदारी होती है जो समझ रहे हैं वो लोग जमीनी स्तर पे इस पूरे बात को ले जाए पूरे चीज को ले जाए तभी ये कुछ पॉसिबिलिटी भी दिख सकता है तभी होगा अगर राजनीतिक मुद्दा भी बनाना है तभी हो सकता है आइंस्टीन कहा करते थे कि अगर कीड़े कीट पतंग तीन साल के लिए पूरी तरह से दुनिया में विलुप्त हो जाए तो दुनिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी बर्बाद हो जाएगी तो सोचिएगा कि प्रकृति हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है शुक्रिया आप देखते रहिए न्यूज क्लिक